की बड़ी खबर। झारखंड के साहिबगंज बोरियो प्रखंड के कांदर पंचायत अंतर्गत कांदर उच्च विद्यालय के प्रांगण में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद गरीब असहाय आदिवासी परिवार को, जिनका राशन कार्ड नहीं बना वैसे परिवार को आज बजरंगी प्रसाद यादव ने मास्क पहनाकर आदिवासी परिवार को राहत सामग्री वितरण किया। वहीं मोदी आहार एवं मोदी दक्षिणा में पैसे दिए। वैसे पूर्व में 399 लोगों को दे चुके थे, आज फिर इन परिवारों के बीच 63 परिवार को राहत सामग्री वितरित की। वहीं उक्त कार्यक्रम में फादर जॉन डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी कृष्ण कुमार शर्मा की निगरानी में राहत सामग्री वितरण की गई। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। कांदर हाई स्कूल के माननीय प्रचार जॉन साहब के का आग्रह था कि कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो ज़रूरतमंद है, गरीब हैं, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बना है, वैसे लोगों को राशन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है जो कि बहुत ही निहायत जरूरी है। उसको देखते हुए जैसे ही मिला उसको हम कल ही प्रशासन को भी अवगत कराया। हालांकि मेरे प्रशासन के अवगत कराने पर प्रशासन के द्वारा यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी कल ही रात को 8 बजे आके कुछ लोगों को दिए हैं और सुबह भी दिए हैं, और आज हम भी जितना लोग हैं उन लोगों को आज उपलब्ध कराए अपनी तरफ से राशन सामग्री। और ये संकट की घड़ी है कोरोना लॉकडाउन के चलते, और इस संकट की घड़ी में हम सभी सामाजिक के जो भी सेवक हैं वो सभी का फर्ज बनता है कि कहीं अगर ऐसा सुने कि कहीं गरीब गुरबा जो भूखे प्यासे रह रहा है तो उसको राशन उपलब्ध करा ले। तो आज हम उसी में मोदी आहार और मोदी दक्षिणा के रूप में आज लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। प्रशासन हड़बड़ में आकर कल शाम को वहाँ कांदोर में वहाँ वितरण किया अनाज का, तो कल शाम को रात को 8:30 बजे तक चला, और आज सुबह भी वीडियो साहब आए थे हरकत में आके और सुबह भी वितरण किया, यानी कि कुल मिला के करीबन 110 परिवार को अनाज वितरण हो गया है। केवल तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि बहुत सेवा करते हैं गौर गरीबों की। जैसे इन्होंने बताया कि ये बीमारी छुआछूत जैसी है, एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं मिलाना है। और दूसरी गोष्ठ ये है कि जब भी कभी कोई बीमार होगा या बाहर से कोई आता है तो तुरंत खबर करना है। पहले तो उनको घर में नहीं लेने का, आने के तुरंत बाद, भले वो अपना घर का बेटा है, बेटी है, पिता है, पति है, जो भी है, बाहर पता नहीं चलता है, और उसके लिए तुरंत उधर अस्पताल में फोन करना, नहीं तो 100 नंबर पर फोन करना, नहीं तो 108 पर फोन करना, ताकि उनको बताना का हमारा बेटा भाई, वो लोग आकर उनको अस्पताल में लेके जाएंगे और 14 दिन तक। चलो 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 आप तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।